सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड अगर आप लोग को मनी हाइस्ट वेब सीरीज पसंद आई है एंड आप लोग को उसी तरीके की वेब सीरीज क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है तो इस वीडियो में आपको टॉप 5 वेब सीरीज रिकमेंड करने वाला हूँ। एक बोनस भी होने वाली है जिसको आप देख सकते हो एंड आपको कुछ उसी लेवल का मजा आने वाला जो आपको मनी हाइस्ट देखते वक्त आया था। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमेशा की तरह मैंने सारी लिस्ट अपने डायरी में नोट करके रख ली है। तो चलो फिर आपको बताता हूँ नंबर 5 पर मैंने किस वेब सीरीज को रखा है। तो नंबर 5 पर मैंने रखा है ओजार्क वेब सीरीज को। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है एंड ये आपको हिंदी में भी देखने को मिलती है। इस वेब सीरीज की जो IMDb रेटिंग है वो 8.4 की एंड ये वेब सीरीज के अभी तक लाइक 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं एंड ये वेब सीरीज आई थी 2017 में। एंड ये जो वेब सीरीज है इस सीरीज की स्टोरी लाइक ड्रग्स एंड ओजार्क नाम के एक प्लेस से रिलेटेड है। भाई किस तरीके से उस इंसान को कुछ पैसे कमाकर एक इंसान को देने हैं एंड वो क्या इस काम को कर पाता है या नहीं कर पाता है आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। सबकी स्टोरी लाइक मैं अगर बताने लगा तो काफी टाइम निकल जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में लाइक IMDb रेटिंग के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वेब सीरीज हिंदी में ही देखना पसंद है देन ओजार्क वेब सीरीज आपके लिए बेस्ट होगी। आप इस वेब सीरीज को जरूर चेकआउट कर सकते हो। सो बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पर मैंने रखी हुई है पीकी ब्लाइंडर्स। पीकी ब्लाइंडर्स 2013 से अभी तक चल रही वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज का सीजन 6 आने वाला है जो कि सीरीज का लास्ट सीजन होगा। इस वेब सीरीज की जो IMDb रेटिंग है वो 8.8 की। ये क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है एंड इस वेब सीरीज की जो थीम है वो 90s पर बेस्ड है। एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड वेब सीरीज है। इसमें लाइक कुछ भाइयों की स्टोरी दिखाई जाती है एंड जिनमें से एक तो भाई कतई लाइक नेक्स्ट लेवल का है जिसको लाइक कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी को भी मार सकता है। आई थिंक आपको ये वेब सीरीज जरूर चेकआउट करनी चाहिए एंड बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है आप इस वेब सीरीज का अगर ट्रेलर देखोगे देन आपको पता चल जाएगा। तो बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 पर मैंने रखी हुई है नार्कोस। नार्कोस नेटफ्लिक्स की एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है एंड ये जो वेब सीरीज है वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है एक ऐसे ड्रग माफिया से जो कि लाइक काफी ज्यादा पैसे कमा चुका था ड्रग्स को बेचकर। एंड ये जो वेब सीरीज है इसके आपको 3 सीजन देखने को मिलते हैं। ये वेब सीरीज आई थी 2015 में एंड इस वेब सीरीज की जो IMDb रेटिंग है वो है 8.8 की। तो आप डेफिनेटली इस वेब सीरीज को चेकआउट कर सकते हो बिकॉज काफी कम वेब सीरीज है जो क्राइम ड्रामा की नेटफ्लिक्स पर आपको हिंदी में देखने को मिलती है एंड ये उनमें से एक है। तो आई थिंक आपको डेफिनेटली इस वेब सीरीज को चेकआउट करना चाहिए एंड ये जो वेब सीरीज है वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है देन आपको काफी ज्यादा और मजा आएगा। सो बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 पर मैंने रखी हुई है फार्गो वेब सीरीज जो कि आई थी ईयर 2014 में। इस वेब सीरीज के आपको 4 सीजन देखने को मिलते हैं एंड इस वेब सीरीज की जो IMDb रेटिंग है वो 8.9 की। तो आप मान के चल सकते हो काफी मस्त वेब सीरीज होने वाली है। लेकिन ये जो वेब सीरीज है वो आपको इंग्लिश में देखने को मिलती है बट यकीन मानना काफी मस्त वेब सीरीज है। सो इस सीरीज की जो स्टोरी वो एक ऐसे इंसान पर बेस्ड है जो कि पहले तो काफी भोंदू टाइप का होता है बट वो एक ऐसे इंसान से मिलता है जिसके बाद वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है बट उसे ये नहीं पता होता है कि वो जिस इंसान से मिल रहा है वो एक क्रिमिनल है। तो आपको लाइक आगे इसमें काफी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जिसको देखकर आपको काफी मजा आएगा। तो आप डेफिनेटली फार्गो वेब सीरीज को चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है तो ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अब बात करते हैं नंबर 1 की एंड ये जो वेब सीरीज है इसको देखने के बाद आपके दिमाग के तार हिल जाएंगे क्योंकि अगर आप लोगों ने इस वेब सीरीज को नहीं देखा है देन आई थिंक आपको सबसे पहले किसी वेब सीरीज को अगर चेकआउट करना चाहिए तो वो यही है। मैं बात कर रहा हूं ब्रेकिंग बैड की। ये वेब सीरीज को मैंने नंबर 1 पर रखा है एंड ये वेब सीरीज एक ऐसे केमिस्ट्री टीचर की स्टोरी है जिसको लाइक हो जाता है कैंसर देन उसके बाद वो डिसाइड करता है कि भाई अब मेरे को लाइक अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है देन उसके बाद वो घुस जाता है ड्रग्स के बिजनेस में एंड मैक्सिमम वेब सीरीज मुझे पता नहीं क्यों बाहर की जो है वो क्राइम वाली वो ड्रग्स पर ही बेस्ड होती है बट इस वेब सीरीज का जो लेवल है ना वो कुछ अलग ही लेवल पर जाता है एंड आई थिंक आपको डेफिनेटली इस वेब सीरीज को चेकआउट करना चाहिए। हालांकि ये जो वेब सीरीज है वो अभी आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलती है बट लाइक इसकी लाइक बात चल रही है कि आपको क्या पता है फ्यूचर में हिंदी में देखने को मिले। इसके एंड पीकी ब्लाइंडर्स दोनों वेब सीरीज के ऐसे सीन चल रहे हैं तो क्या पता फ्यूचर में आपको ये वेब सीरीज हिंदी में भी देखने को मिल जाए बट एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपको ये वेब सीरीज इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। बट अगर आपको लैंग्वेज का कोई भी इशू नहीं है ना देन डेफिनेटली मेरे रिकमेंडेशन पे आप इस वेब सीरीज को जरूर चेकआउट करना देन आप मेरे चैनल पे मुझे पता है दोबारा आकर कमेंट भी करोगे कि भाई काफी ओपी वेब सीरीज थी। आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने इस वेब सीरीज को चेकआउट कर लिया होगा बट जिन्होंने भी नहीं किया है प्लीज इस वेब सीरीज को जरूर चेकआउट करना। सो ये जो वेब सीरीज है ये आई थी ईयर 2008 में एंड इसके आपको 5 सीजन देखने को मिलते हैं। एंड बात करते हैं इसके अगर IMDb रेटिंग की जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है जो कि है 9.5 की। तो आई थिंक आपको डेफिनेटली इस वेब सीरीज को चेकआउट जरूर करना चाहिए। सो यही थी मेरी नंबर 1 वेब सीरीज जिसका नाम है ब्रेकिंग बैड। अब बात करते हैं बोनस वेब सीरीज की। तो जो बोनस वेब सीरीज है उसको मैंने रखा है इस वजह से बिकॉज ये वेब सीरीज मेरे को दिख गई तो मैंने सोचा आप लोग को बता देते हैं बिकॉज ये भी काफी अच्छी वेब सीरीज है बट लाइक बाकी जितनी वेब सीरीज मैंने बताई हैं वो इससे काफी अच्छी हैं। तो आप बोनस में इस वेब सीरीज को भी चेकआउट कर सकते हो अगर आप लोगों ने इन 5 को देख रखा है तो। अब बात करते हैं बोनस वेब सीरीज की। तो इस वेब सीरीज का नाम है इलीट। ये वेब सीरीज आपको देखने को मिली थी ईयर 2018 में एंड अभी तक इस वेब सीरीज के आए हैं 3 सीजन
एंड ये कुछ ऐसे टीनेजर्स की स्टोरी है जो कि ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे क्राइम कर बैठते हैं जिसके बाद भाई उनके पास पीछे मुड़ने का कोई चारा नहीं होता है। आई थिंक आपको ये वेब सीरीज जरूर चेकआउट करनी चाहिए अगर आप लोगों ने बाकी की पांचों वेब सीरीज देख रखी है तो, या फिर आप चाहो तो इस वेब सीरीज का ट्रेलर देख सकते हो। अगर आपको पसंद आती है देन आप इस वेब सीरीज को भी चेकआउट कर सकते हो। इस वेब सीरीज की जो IMDb रेटिंग है वो 7.6 की, एंड इस वेब सीरीज को लाइक बोनस में रखने का मेन रीजन ये था बिकॉज ये टीनेजर्स की स्टोरी पर बेस्ड है, तो आई थिंक मैक्सिमम लोग इस वेब सीरीज को रिलेट कर सकते हैं एंड अगर क्राइम ड्रामा देखना पसंद है देन वो लोग इस वेब सीरीज को जरूर देखेंगे। बट हाँ, ये वेब सीरीज भी आपको इंग्लिश में देखने को मिलती है, तो अगर आपको लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है देन आप डेफिनेटली इस वेब सीरीज को चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज आप बाकी की पांचों वेब सीरीज को देख सकते हो। ठीक है, तो ये थी मेरी लिस्ट। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरीके के मेरे को वीडियो और बनाने चाहिए या फिर नहीं, मेरे को नीचे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। One million.